उस्मान साहब, आप इस वक्त सराय में क्या कर रहे हैं? इल्बिलगे खातून से मिलना है, क्या वो मौजूद है? मौजूद हैं, लेकिन वो आपको उनसे मिलने नहीं देंगे। मैं जानता हूँ कैसे मिलना है। कहाँ जा रहे हो बेटा? इल्बिलगे खातून को अंदर जाकर खबर दो, अर्तुरुल सरदार का बेटा उस्मान आया है। चले जाओ यहाँ से, मुंह मत लगो हमारे। वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। क्या हो रहा है ये? एक छोटे से बच्चे पे तलवार निकाली है तुमने? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है खातून। आओ अंदर चल के बात करते हैं उस्मान। कहो उस्मान, सुन रही हूं मैं। आप पहले अपने जमीर की आवाज सुनिए। क्या मतलब है तुम्हारा? अपने बाबा के साथ हमारे कबीले में आकर क्यों फसाद किया आपने? ये तुम क्या कह रहे हो उस्मान? मैं तुम्हें अपना भाई समझती हूं, तुम मेरे बाबा के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर आपने अपने भाई से झूठ क्यों बोला इल्बिलगे खातून? क्यों आपके बाबा ने अपनी हद पार की और आपने उन्हें रोका भी नहीं? तुम्हारे भाई गुंदूस ने अपनी हद पार की है। आपके बाबा हमारे कबीले में लुटेरे की तरह आए, इसीलिए वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। लेकिन आपने झूठ बोलकर हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है, धोखा दिया है। आप मुझे बचाकर जख्मी हालत में बाबा के पास लेकर आई, फिर बाबा ने अपनी जान से बढ़कर आपकी जान को अहमियत दी। अफसोस है मुझे, बाबा को दुख होगा इस बात का। काश कि आप मुझे वहीं छोड़ देती और आपका असल चेहरा सामने ना आता। उस्मान,